महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी द्वारा सर सयाजीनगर गृह खाते विद्यार्थियों ने गोल्ड मेडल वितरण कार्यक्रम नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी द्वारा सर सयाजीनगर गृह खाते विद्यार्थियों ने गोल्ड मेडल वितरण कार्यक्रम नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आ कार्यक्रम में राज्य महिला अने बाल विकास मंत्री मनीषाबेन वकील, चांसेलर राजमाता शुभांगिनी देवी गायकवाड़, मेयर केयूरभाई रोकड़िया, धारासभ्य जीतू सुखड़िया आ तमाम लोकोना हस्ते विद्यार्थियों ने गोल्ड मेडल आपवामां आव्या हता। एमएस यूनिवर्सिटी 191 विद्यार्थियों ने 296 गोल्ड मेडल अपाया। एमएस यूनिवर्सिटी वडोदरा में सौथी वधु मार्क्स साथे स्नातक तथा अनुस्नातक ना उत्तीर्ण उम्मीदवारों ने प्रोत्साहित करवाना हेतु थी शहरना सयाजीनगर गृह खाते यूनिवर्सिटी द्वारा सुवर्ण चंद्रक वितरण समारोह योजायो हतो, जेमा कुल 191 विद्यार्थियों ने 296 गोल्ड मेडल्स एनायत करवामां आव्या हता, जेमांथी 111 तो मात्र विद्यार्थिनीओ छे। महिला अने बाळ कल्याण राज्यमंत्री मनीषाबेन वकीले जणाव्युं हतुं के हुं एमएस यूनिवर्सिटीनी विद्यार्थिनी हती त्यारे शिक्षक बनवानुं सपनुं हतुं अने अत्यारे पदवीदान समारोहमां राज्यमंत्री तरीके मुख्य अतिथि तरीके हाजरी आपवानी तक मळी छे। सुवर्ण चंद्रक विजेता विद्यार्थीओने अभिनंदन पाठवता तेमणे अन्य विद्यार्थीओने पण जीवनमां सतत आगळ वधवानी शीख आपी हती। राज्यमंत्रीए विद्यार्थीओने त्याग अने समर्पणनी भावना साथे समाज माटे कंईक करवा छूटवानुं जणावी विद्यार्थीओने अहींथी न अटकीने जीवननी खरी परीक्षा हवे शरू थई होवानुं उमेर्युं हतुं। राजमाता शुभांगिनी राजे गायकवाड़े सारी कारकिर्दी साथे देशभक्तिनो समन्वय करीने यूनिवर्सिटीना विद्यार्थीओ देश विदेशमां नामना मेळवी रह्या होवानुं गौरवસર જણાવ્યું હતું। મેં સંસ્કૃત વિષયમાં ગોલ્ડ મેડલ પ્રાપ્ત કર્યા છે અને એનો પૂરેપૂરો શ્રેય મારા પરિવાર અને મારા ફેકલ્ટી મેમ્બર્સ, મારા ટીચર્સને જાય છે, પ્રોફેસર્સને જાય છે। કોરોના કાળમાં એક નવો જ સમય જોવા મળ્યો છે આપણે દરેકને, અને ઘણી ડિફિકલ્ટીઝ હતી પણ ડ્યુ ટુ ધ ફેકલ્ટીઝ એન્ડ એમના સપોર્ટના કારણે, પ્રોફેસરના સપોર્ટના કારણે આ સમય ઘણો સરળતાથી પસાર થયો છે અમારા માટે અને ખૂબ સરસ રહ્યું છે।